ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपसे सवाल नहीं हो पाया। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, इसमें कोई शक नहीं कि एनडीआरएफ की टीम हो, बीएमसी की टीम हो, शानदार काम कर रही है। यहां तो जरूरत जो है वो पॉलिसी की है, जिसका अभाव नजर आ रहा है। कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, जो ग्रेटर मुंबई है वो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट म्युनिसिपैलिटी है और यहाँ करीब 70 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। करीब 25 लाख बिल्डिंगें ऐसी आइडेंटिफाई की गई हैं जिनको रेट्रो मॉडिफिकेशन या उनका जो डेमोलिशन है वो होना चाहिए। लेकिन देखिए हर साल यही स्टेटमेंट्स, यही वक्तव्य दोहराए जाते हैं कि साहब हिंद माता में पानी हो गया, ये हो गया, बीएमसी की पोल खुल गई। लेकिन देखिए पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया गया है और ये मैनमेड और नेचुरल कारण है इसके। अगर आप ये देखें कि जो इंटरटाइडल आपके जो एरियाज हैं या जो इनंडेशन एरियाज हैं वो आइडेंटिफाइड है। जैसा आपने कहा, अर्बन फ्लडिंग 2005 से करेंसी में आई और 2005 में जो त्रासदी बॉम्बे ने देखी, अब पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखें तो ये तीसरी घटना है वाटर लॉगिंग की। और जितनी भी बिल्डिंगें इस तरह से हैं, अगर आप पुरानी बिल्डिंगें देखें, ब्लूप्रिंट देखें, तो 1908 की ज़्यादातर बिल्डिंगें हैं या जो बिल्डिंगें हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी तैयारी बहुत पहले हो जानी चाहिए, बिल्कुल पहले हो जानी चाहिए थी और वो नहीं हुई है, जिसका अंजाम आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शाइना एनसीजी, आनंद दुबे जी, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि जनता की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है और इस मुद्दे को उठाने के पीछे हमारी मंशा भी यही थी कि ये मुद्दा सबके सामने आए और इसका हल निकाला जाए, क्योंकि अभी भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, ना जाने कितनी और जानों पर अभी भी मुसीबत होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।